हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, मेरे सामने जो आप एक वॉल क्लॉक देख रहे हैं, ये सिर्फ एक वॉल क्लॉक नहीं है, इसके साथ एक वाईफाई कैमरा भी है, जो स्पाई वाईफाई कैमरा। एक स्पाई कैमरा है, इसमें इनबिल्ट लगा हुआ है। कई लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है वो वाईफाई कैमरा, जो किसी को नज़र ना आए, स्पाई कैमरा कहीं पर लगाना चाहते हैं। तो मैं आज इस कैमरे को आपको चला के दिखाऊंगा और इसकी कन्फिग्रेशन कैसे करनी है साथ साथ वो भी बताऊंगा। और अगर कोई भी ये कैमरा परचेज भी करना चाहता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकता है, हम उसे कांटेक्ट कर लेंगे। और इसका प्राइस वगैरह क्या रहेगा वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इस कैमरे, इस घड़ी के बारे में बता देता हूँ, एक स्पाई कैमरे के बारे में। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए, ये जो है घड़ी है, एक प्रॉपर घड़ी है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और इसको अगर आप पास ये घड़ी है तो इसको आप खोल लीजिए, मैंने इसको खोल के रखा हुआ है। और इसे आप खोलेंगे ये देखिए, जब आप इसे खोलेंगे तो ये अंदर से पूरा घड़ी है, वॉल क्लॉक है। और यहाँ पे देखिए एक छोटा सा कैमरा लगाया हुआ है, जो कैमरा ये यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। और इसी में आपको रिकॉर्डिंग के लिए मेमोरी कार्ड आपको लगाना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये घड़ी खोल के इसमें ही लगाना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले आपको मेमोरी कार्ड का स्लॉट इसके अंदर साइड में है, तो उससे पहले इसको खोलना पड़ेगा। इसमें जो दो पेच लगे हुए हैं, तो ये आप खोलेंगे तो इसके अंदर आपको मेमोरी कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, रीसेट करने के लिए भी ऑप्शन मिल जाएंगे, और चार्जिंग कनेक्टिविटी के लिए भी इसमें ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन चार्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके साथ ये डायरेक्ट बिजली की केबल है, आप डायरेक्ट प्लग में लगा सकते हैं और ये आपका ऑन हो जाएगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको चलाना कैसे, इसको कॉन्फ़िगरेशन करना है। इसका एप्लीकेशन है DV380। तो अभी हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ गए हैं। तो इस कैमरे को चलाने के लिए सबसे पहले इसका एप्लीकेशन ओपन करना है, इसका मोबाइल एप्लीकेशन DV380 इसे ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद देखिए, मैं इसे ओपन करता हूँ। इसे ओपन करने के बाद तो ये इसका रजिस्ट्रेशन करना है इसमें। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते तो ट्राई विद एन अकाउंट में कीजिए और उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए, ये आपका नए पेज में आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि सबसे पहले आप अपना वाईफाई, जहाँ से वाईफाई कनेक्ट करते हैं मोबाइल में, उसे ओपन कीजिए। इस कैमरे का हॉटस्पॉट हरा होगा, ये देखिए ये आ गया, तो उसके बाद इसे कनेक्ट कर लीजिए। ये इस कैमरे का वाईफाई है, तो इससे कनेक्टिविटी थोड़ा आसान हो जाती है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, कनेक्टेड, हाँ कनेक्ट है, इसे कीप कर देते हैं। इसमें प्लस में क्लिक करना है, प्लस में क्लिक करने के बाद आपको जाना है नेटवर्क डिवाइस पे। नेटवर्क डिवाइस पे देखिए आपका डिवाइस एड्रेस यहाँ पे मांग रहा है या फिर स्कैन करने के लिए मांग रहा है। इसमें कोई QR कोड तो नहीं है, तो इसमें ID डालनी पड़ेगी। इसमें कोई ID भी नहीं लिखी रहती है, तो ID आपका जो हॉटस्पॉट आपने जो कनेक्ट किया था, ये देखिए DV छोड़ दीजिए, उसके आगे जो स्टार्टिंग डिजिट है वो आपकी ID है, 4423 1413। इसमें डालता हूँ 4423 1413। देखिए ये मैंने इसको डाल दिया, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये कैमरा ऐड हो गया। अब यहाँ पे आप ये पूछता है, प्लीज सेलेक्ट और एंटर योर डिवाइस नेम, कोई भी नाम आप कस्टमाइज भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑफिस सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इजिली कैमरा ऐड हो गया। इसको चलाने के लिए बीच में क्लिक कीजिए तो ये चल जाएगा। यहाँ पे सेट पासवर्ड डालना है, अभी इसमें कोई पासवर्ड नहीं डला हुआ, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, कुछ भी पासवर्ड डाल देते हैं। ये मैंने पासवर्ड सेट कर दिया इस पे, उसके बाद कंफर्म कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ऑनलाइन हो गया, नीचे देखिए लैन ऑनलाइन भी लिखा हुआ आ रहा है। तो इसमें चलाने के लिए इस पे कनेक्ट कीजिए, यहाँ पे कनेक्टिंग शो हो रहा है। अभी थोड़ा टाइम ले रहा है, कभी कभी टाइम भी लगता है, और अगर कुछ ज़्यादा ही टाइम लेता है तो फिर आप डायरेक्ट इसे वाईफाई से भी कनेक्ट कर दीजिए। इस प्रोसेस के बाद आपका वाईफाई से कनेक्ट करना इजी है। देखिए मैं यहाँ पे ये कनेक्टिंग अभी नहीं हो रहा है, शायद टाइम लेगा। एक काम करते हैं, इसे पहले हम
अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए ऊपर जो 3 डॉट है इस पर क्लिक कीजिए, सेटिंग पे जाइए। सेटिंग पे जाने के बाद आपको जाना है नेटवर्क पे। नेटवर्क पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे अभी एपी हॉटस्पॉट मोड पे टिक है, यहाँ पे वाईफाई स्टेशन मोड पे टिक करना है। इस पे जैसे ही टिक करेंगे तो यहाँ प्लीज़ सेलेक्ट वाईफाई, तो इस पे क्लिक कीजिए और आपका जो नियर बाय वाईफाई होगा उसे आप कनेक्ट कर लीजिए। मैं टेंडा वाला है मेरा, मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। पासवर्ड ऑलरेडी डाला हुआ है, मैंने पहले डाला था, तो इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये लोडिंग और ये आपका उसके साथ कनेक्ट हो गया। अब इसको एक बार चेक कर लीजिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे उसका जो हॉटस्पॉट था वो चला गया है वाईफाई से कनेक्ट होने के बाद। अब अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए इसे चलाने के लिए, या फिर मोबाइल इंटरनेट पे भी चला सकते हैं। तो अभी मैंने वाईफाई पे कनेक्ट कर लिया अपने मोबाइल को, रिफ्रेश कर देते हैं, लैन ऑनलाइन लिखा हुआ आ रहा है। ये देखिए ये कनेक्ट हो गया है, ये देखिए ये अपना कैमरा कनेक्ट हो चुका है, ये अभी दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे रेजोल्यूशन का ऑप्शन है 720x1080p, 2K, 4K। मैं एक बार 4K पे सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 4K में इसकी क्वालिटी जो है बढ़ जाएगी। बाकी और भी इसके जो बाकी ऑप्शन है वो यहाँ पे नीचे देखिए, स्नैपशॉट, रिकॉर्ड और रिप्ले का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे रिप्ले में जाके इसके अंदर जो मेमोरी कार्ड आप डालेंगे उसकी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अभी तो मैंने मेमोरी कार्ड डाला नहीं है, तो अभी मेमोरी कार्ड उसमें शो नहीं करेगा, रिकॉर्डिंग नहीं आएगी अभी इसमें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैमरे को कैसे कनेक्ट करना है, कैसे चलाना है, इसकी क्वालिटी के बारे में। ये देखिए इसमें पावर अभी ऑन कर रखी है, तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इसमें डेट, टाइम, टेम्परेचर और डे सारी चीज़ें इसमें पता चल जाएगा। तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कैमरा कहाँ लगा है। आप कोई भी अगर ये कैमरा ख़रीदना चाहता है तो इसकी कॉस्ट है 7,000 रुपये। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस कैमरे का क्या क्या फीचर है, ये कैसे कनेक्ट होगा, ये कैसे चलेगा।